चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे 2.4 अपडेट के कुछ नए फीचर्स, हम अपग्रेडेबल गन स्किन्स का फर्स्ट लुक देखेंगे और यहाँ पे जो रॉयल पास की गन स्किन्स है तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इवन व्हीकल को लेकर भी यहाँ पे एक अपडेट है रॉयल पास वाला, तो सारी चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पे जो 2.4 अपडेट में आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पे आ चुकी है एक इमेज, ये जो इमेज है ये एक लोडिंग स्क्रीन है 2.4 की और देखने से यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पे जो लोडिंग स्क्रीन है कुछ कुछ आपको क्रिएटिव वर्ड टाइप का जैसे माइनक्राफ्ट में होता है वैसे आपको काफी सारे जो ब्लॉक्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये 2.4 की लोडिंग स्क्रीन है, ऐसा कुछ मिलता था जो मोड है वो हमें यहाँ पे 2.4 में देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको पहली बार देखोगे तो मे भी आपको मेरी तरह यहाँ पे न्यू स्टेट की याद आने वाली है। न्यू स्टेट के अंदर भी यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हाउसेज, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे कंपाउंड्स है। यहाँ पे आपको एक साइड में यहाँ पे बंदा मेरे ख्याल से घर के अंदर घुसा दिखेगा। यहाँ पे जो पबजी की यूएस है वो भी यहाँ पे रखी हुई है और कुछ अलग टाइप की वैन्स हैं, आई थिंक वो तो सिर्फ मॉडल्स ही होंगे लिरिक वाले। अभी बीटा में यहाँ पे ये वाला मोड आया नहीं है, देखते हैं यहाँ पे जब आएगा तब कैसा होता है। देन इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है हैंड ग्लाइडर। तो रैगल मैप के अंदर क्लासिक मोड में आपको यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे गाल्टा टावर हो गया, स्कालबर हो गया और भी यहाँ पे जो काफी हाई पॉइंट्स है रैगल के वहाँ पे आपको हैंड ग्लाइडर देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आप एक ग्लाइडर ये दिखते हैं, तो इसको आप यहाँ पे काफी आसानी से इस बटन पे टैप करके यहाँ पे इक्विप कर सकते हो और फिर आपका जो कैरेक्टर है दोस्तों वो यहाँ पे काफी लंबा यहाँ पे ग्लाइड करने वाला है। आप इसको यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो एक नए टाइप का एयर व्हीकल है जो कि यहाँ पे रैंगल के लिए परमानेंटली एड होने वाला है। एक चीज दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे ग्लाइडर काफी ऊंचाई पे उड़ा रहे हो और अगर आप यहाँ पे लीव करते हो तो जैसे ही आप लीव करोगे आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे नॉक होने वाला है, यहाँ पे पैराशूट अपने आप ओपन नहीं होगा। और जब आप इसको उड़ा रहे हो तो आपको एनिमी से खासकर बच के रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ आपका भी कुछ इस तरीके का हाल एनिमी कर सकता है। ग्लाइडर को हालांकि डैमेज नहीं होता, सिर्फ जो इस पे बंदा लटका हुआ है आप उसको यहाँ पे डैमेज कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे रैगल मैप पे कुछ यहाँ पे अपवर्ड एयर फ्लोस ऐड किए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे ग्लाइडर को फिर से ऊंचाई पे लेके जाने के लिए। कुछ इस तरीके का आप इनका यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपका जो ग्लाइडर है वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो गेम अलाउ करती है फिर वहाँ पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट फीचर आता है वो है दोस्तों बाइसाइकिल 2.0। तो जो बाइसाइकिल के स्टैंड्स रैंगल के अपडेट में यहाँ पे ऐड किए गए थे उसके अंदर दोस्तों क्या है कि जो बाइसाइकिल का मॉडल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। पहले जो बाइसाइकिल थी वो सिर्फ यहाँ पे वन सीटर थी लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ जो बाइसाइकिल है स्टैंड पे वो आपको यहाँ पे टू सीटर देखने को मिलेगी। तो बाइसिकल तो पहले की तरह वर्क करेगी लेकिन यहाँ पे 2.4 अपडेट के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक प्लेयर जो होगा आपका टीममेट होगा तो उसको अपने पीछे बिठा सकते हो और एक काफी फनी सा एनिमेशन ऐड किया। तो इस अपडेट के बाद विक्टर अपनी बंदी को लेकर घूमेगा पूरे रैंगल में, तो काफी फनी सा एनिमेशन है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंज है दोस्तों यहाँ पे जो मार्शल आर्ट्स का अरीना मोड था तो स्पॉन आइलैंड भी यहाँ पे मार्शल आर्ट्स थीम हो चुका है। आपको बिल्कुल शाओलिन टेम्पल की तरह यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आई थिंक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज होती होंगी। देख सकते हैं यहाँ पे या कुछ यहाँ पे बोर्ड्स है और यहाँ पे स्टैंड से लगाए हैं तो काफी सही लग रहा है हमारे यहाँ पे जो नया स्पॉन आइलैंड है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे एक्सप्लोसिव बो। तो गेम फॉर पीस के अंदर हमने काफी टाइम पहले इसको देखा था और फाइनली यहाँ पे 2.4 के अपडेट में आपके यहाँ पे जो मेन गेम है उसके अंदर भी यहाँ पे आने वाला है। अभी के लिए यहाँ पे जो हमारे पास मार्शल आर्ट्स का अरीना का POI है अगर आप वहां पे लैंड करते हो तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बो है वहीं पे देखने को मिलेगा, तो आप वहां पे जाके इसको ले सकते हो। और यहाँ पे जो बो है ये आपके नॉर्मल क्रॉसबो से अलग होने वाला है क्योंकि जैसे आप इसको इक्विप करते हो पहला तो इसका जो डिजाइन है वो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल एक यहाँ पे तीर कमान की तरह यहाँ पे लग रहा है जो इसका पूरा लुक है। एक हंटिंग टाइप का वेपन है वो यहाँ पे ऐड किया इन्होंने, बट आपको यहाँ पे सैल्मन भाई नहीं बनना, आपको इसको यूज करना है एनिमी को मारने के लिए क्योंकि यहाँ पे इसके जो बोज है दोस्तों वो यहाँ पे काफी पावरफुल है। आपका जो नॉर्मल क्रॉसबो होता है वो सीधा एनिमी पे जाकर लगता है लेकिन यहाँ पे जो ये वाला आप कह सकते हैं इस बो का यहाँ पे एरो है वो जैसे आप यहाँ पे उसको थ्रो करोगे, जैसे उसको यहाँ पे शूट करोगे तो अचानक से यहाँ पे वो ब्लास्ट होगा और वो जो बम फटेगा उससे यहाँ पे एनिमी पे यहाँ पे डैमेज होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 से 3 शॉट्स में आप एनिमी को यहाँ पे डाउन कर सकते हो। काफी मजा आता है यहाँ पे इसको यूज करने में और मेरे को काफी पसंद आई यहाँ पे जो चीज इन्होंने ऐड किया है। इसकी जो रेंज है ना वो काफी ज्यादा है, जो पूरा ब्रिज है ना वो यहाँ पे कवर कर लेगा अगर आप इसको थ्रो करोगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फीचर से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट अपडेट है तो उसका ये एक्सक्लूसिव ट्रेजर है और उसके बाद यहाँ पे परचेज बोनस, तो ये आउटफिट्स आएंगे यहाँ पे दोनों परचेज बोनस और ट्रेजर में। काफी सही लग रहा है यहाँ पे जो फीमेल वाला आउटफिट है वो। तो फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है यहाँ पे एक नई गन। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था जो हनी बैजर है फाइनली अब यहाँ पे इस क्लासिक मोड के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं गन, तो आप भी इसको नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे यूज कर पाओगे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो गन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है यहाँ पे आपको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। एक मेटालिक टाइप का लुक है यहाँ पे गन पे और काफी आपको यहाँ पे जो लाइट वेट है ये गन फील होती है। कुछ कुछ आगे से इसका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा M4 की तरह लगता है। बाकी यहाँ पे गन की बात करें तो यहाँ पे ये AR वाली या कैटेगरी की यहाँ पे गन होने वाली है और आपको जैसे बताया गया कि यहाँ पे जो 7.62 का यहाँ पे जो हाई एमओ है वो यहाँ पे यूज करती है। काफी एक लाइट वेट सी यहाँ पे गन है AKM के मुकाबले। आप देख सकते हैं इसका साउंड है, इसके यहाँ पे जो बुलेट्स की वो यहाँ एड हो चुकी है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप इसको फिर से यहाँ पे रिलोड कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको मीडियम रेंज के अंदर यहाँ पे यूज करना सही रहेगा अगर आप इसको 6x के यहाँ पे यूज करोगे
तो आई थिंक यहाँ पे जो गन का रिकॉइल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। फिर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और फीचर से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट आपका अपडेट है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो गन स्किन्स आने वाली है, अभी के लिए यहाँ पे ना तो यहाँ पे नेम है ना ही यहाँ पे स्किन्स के टेक्सचर्स है, बस ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट रॉयल पासेस है उसके अंदर यहाँ पे कौन सी हमारी जो गन स्किन्स है वो आ रही है। और सबसे पहले यहाँ पे जो मंथ 19 है उसका जो थीम है वो है यहाँ पे बॉइलिंग ब्लड। इसके अलावा अभी यहाँ पे गन स्किन्स की बात करें तो जो नेक्स्ट आपका रॉयल पास है उसके अंदर आपको रैंक 90 पे मिलने वाली यहाँ पे AKM की स्किन, AKM के साथ साथ आपको यहाँ पे जो आपका रैंक यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे आने वाली है VSS, और VSS के बाद यहाँ पे जो फ्री वाली स्किन है तो वो SLR की होने वाली है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो रिडीम में है वो अब तक कंफर्म नहीं है, लेकिन चांस है कि यहाँ पे जो UMP 45 की स्किन है वो ही हमें यहाँ पे रिडीम में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो मंथ 20 है तो उसका जो थीम है वो है यहाँ पे डेयरिंग डॉन। और बाकी अब यहाँ पे गन स्किन्स की बात करें तो जो गन स्किन होने वाली है दोस्तों यहाँ पे रैंक 40 वाली वो होने वाली है यहाँ पे DBS, और DBS के साथ ही आपको रैंक 1 पे यहाँ पे जो मौसम नेगेट की स्किन है वो मिल जाएगी, और जो फ्री पास का रिवॉर्ड होगा वो होगी यहाँ पे UMP 45 की स्किन। और अब यहाँ पे जो रिडीम स्किन आ रही है वो है यहाँ पे M24 की। तो जैसे अब इसके टेक्सचर्स आएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे गन स्किन का एक्चुअल में क्या लुक आता है। और दोस्तों हाँ, 99% चांस है कि जो नेक्स्ट अपडेट आपका उसका रॉयल पासेस है तो वहाँ पे व्हीकल की स्किन आ रही है। बीटा वर्जन में सिर्फ एक ही यहाँ पे एयरप्लेन की स्किन ऐड किया है, तो अब नॉर्मली यहाँ पे कोई एक व्हीकल की स्किन होगी जो कि किसी एक रॉयल पास में आने वाली है। फिर अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है दोस्तों यहाँ पे पॉपुलैरिटी वाला, तो ये तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूजफुल है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो वीकली रैंकिंग्स है वो यहाँ पे ऐड की गई है, और अगर आप यहाँ पे जो वीकली रैंकिंग्स यहाँ पे लीडर बोर्ड है उसके अंदर आगे यहाँ पे टॉप 10 आते हो तो टॉप 10 में आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे एक स्पेशल यहाँ पे इफेक्ट ऐड किया गया जो कि आपका लॉबी का इफेक्ट है, जैसे यहाँ पे आओगे लॉबी में तो जैसे यहाँ पे सीजन का प्ले होता है वैसे यहाँ पे ये प्ले हो। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग का स्पेशल इफेक्ट है वो आप देख सकते हो, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्पेशल प्लेयर कार्ड मिलेगा जो कि आप अपनी प्रोफाइल के साथ यहाँ पे लगा सकते हो, तो वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाउड रैंकिंग है तो क्लाउड के अंदर भी आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलता है, यहाँ पे येलो कलर का इफेक्ट है, और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो स्पेशल आप कह सकते हो प्लेयर कार्ड है वो मिलेगा अगर आपकी पोजीशन लीडर बोर्ड में यहाँ पे टॉप 10 है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लेयर कार्ड की मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हो यहाँ पे जो प्लेयर कार्ड है कुछ इस तरीके से आपके प्रोफाइल के पीछे लगेंगे, और यहाँ पे जो सारे के सारे प्लेयर कार्ड है ये आपको उस पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स वाले यहाँ पे लीडर बोर्ड से मिलने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है तो उसके अंदर यहाँ पे जो अपग्रेडेबल गन स्किन्स आ रही थी तो यहाँ पे उनका लुक आ चुका है सामने। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो M4 की यहाँ पे लेवल 8 वाली यहाँ पे अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है ग्लोरियस मूवमेंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे गन का लेवल 1 कुछ यहाँ पे चाइनीज और कुछ फ्लोरा टाइप का लग रहा है यहाँ पे जो स्किन का लुक है। फिर उसका यहाँ पे जो लेवल 3 देख सकते हैं इसका काफी सारी कुछ पेटल्स यहाँ पे आ चुकी है, और एक आई थिंक कुछ ड्रैगन सा टाइप का बनने की ट्राई कर रहा है यहाँ पे गन पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो लेवल 6 वाली इसकी यहाँ पे फाइनल फॉर्म है तो ये गन एडमिटेड होगी, और गन का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इसके अब जो लूट क्रेट होने वाली है तो ये देख सकते हो, इस पे तो आपको जो पूरा ड्रैगन है वो देखने को मिल जा रहा है साइड पे। अब फिर यहाँ पे जो QBZ की यहाँ पे अपग्रेडेबल गन स्किन आ रही है तो उसको देख सकते हो, यहाँ पे जो लेवल 1 है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, और ये तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ यहाँ पे जो डार्जिंग सन वाली यहाँ पे गन आई थी ना उसका यहाँ पे फाइनल फॉर्म की तरह लग रहा है। फिर यहाँ पे इसका जो लेवल 3 देख सकते हो एडवांस फॉर्म, ये आई थिंक कुछ फिश टाइप का बन रहा है, ये फिर से चाइनीज यहाँ पे थीम से रिलेटेड है, और इसकी लास्ट यहाँ पे देख सकते हो फाइनल फॉर्म जो है काफी सच चुकी है गन पूरे। और लास्ट में यहाँ पे इसकी भी जो लूट क्रेट देख सकते हो, लूट क्रेट इसकी मेरे को काफी सही लगी है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपकी गेम में यहाँ पे एक नया बटन ऐड किया गया है। आप मैच के बीच में जैसे आप यहाँ पे अगर आपका एनिमी किल करता था उसके बाद जाके आप एनिमी के यहाँ पे स्टार्ट है वो देख पाते थे, और एनिमी यहाँ पे रॉयल पास बाय किया उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे, तो वो जो चीज है वो दोस्तों आप यहाँ पे मैच के बीच में देख सकते हो आपके जो टीममेट्स हैं आपको यहाँ से सिर्फ बटन प्रेस करना है, और जैसे आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके जो टीममेट के स्टैट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि उसका आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया या फिर उसके कितने किल्स हैं, उसने कौन सा आउटफिट डाला हुआ है, तो वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यही था आज के वीडियो में आपको जो बताना था, बाकी अब जाते हैं यूट्यूब के रीति रिवाज है लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो करके जाना, तो मैं मिलूंगा आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।